नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं इंडिया इंग्लैंड स्पेशल रणतंत्र। हमारी पिछली वीडियोस को आपने इतना देखा, शेयर किया, लाइक किया, कमेंट किया, उसके लिए तहे दिल से पहले तो थैंक यू बोलना चाहूंगा। लेकिन क्रिकेट से मेरे को एक कंप्लेंट है बाबा। क्या कंप्लेंट है? देखिए, क्रिकेट है तो एकदम चौकस चीज, बस दिक्कत यही लगती है कि यहां पर सिर्फ रन की बात होती है, विकेट की होती नहीं। शायद स्पॉन्सर्स को खुश करने के लिए हम लोग ओवरऑल अपने गेंदबाजों का जो कंट्रीब्यूशन है ना, उसको हिंदी फिल्मों के सौतेले बेटी की तरह ट्रीट करते हैं और उतना सेलिब्रेट नहीं करते जितना बल्लेबाजों का कंट्रीब्यूशन को करते हैं। शायद यही वजह है कि पहले टेस्ट मैच में 9 विकेट लेने के बावजूद जसप्रीत बुमराह जो रूट के सामने मैन ऑफ द मैच अवार्ड नहीं ले पाए, और दूसरे टेस्ट में भी केएल राहुल की सेंचुरी सभी गेंदबाजों के प्रदर्शन पर भारी पड़ी। लेकिन क्रिकेट में एक बहुत पुरानी कहावत है कि अगर आपको टेस्ट मैच जीतना है तो आपको 20 विकेट लेने पड़ेंगे। बात सच ही है। लॉर्ड्स टेस्ट मैच में इंग्लैंड हमें 2 बार ऑल आउट नहीं कर पाया, जबकि हमारे गेंदबाजों ने 2 बार उनकी पुंगी बजा के लुंगी खींच दी। वैसे आप में से अगर कोई क्रिकेट एक्सपर्ट है तो मेरे को याद दिलाए, क्योंकि मेरे को तो ऐसा कोई टेस्ट मैच याद नहीं आता जिसमें 20 के 20 विकेट भारतीय तेज गेंदबाजों ने ले लिए हो। इसलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अपने 4 चैंपियन गेंदबाजों के बारे में, जिन्हें भले मैन ऑफ द मैच अवार्ड नहीं मिला हो, लेकिन हम अपने दिल से उन्हें आज ये अवार्ड देकर रहेंगे। बॉलर नंबर 1 मियां भाई मोहम्मद सिराज। पिछले 1 साल में इतना ट्रांसफॉर्मेशन तो पेट्रोल के दामों में नहीं आया जितनी सिराज की परफॉर्मेंस में आया है। एक वक्त था जब सिराज के ऊपर मीम बनते थे, वो वाइड बॉल क्रिकेट में भर भर के रन लुटाते थे। लेकिन 2020 में ऑस्ट्रेलिया गए सिराज, जब 2021 में इंडिया वापस लौटे तो उनके सर से पिता का साया भले उठ गया हो, लेकिन उनके कंधे जिम्मेदारी उठाकर मजबूत हो चुके थे। रेड बॉल से बेहतरीन गेंदबाजी करने वाले सिराज T20 लीग में भी चमके, और लॉर्ड्स टेस्ट मैच में तो उनका परफॉर्मेंस ऐसा था जिसे देखकर तो सबको यही लगा कि भैया इनकी नजर ही उतार लें। दोनों पारियों में सिराज भारत के सबसे कामयाब बॉलर बनकर निकले, और कुल मिलाकर 20 में से 8 विकेट इन्होंने अपने नाम कर ली। बहुत सारे लोग तो ये चाहते थे कि मैन ऑफ द मैच इन्हीं को मिले, लेकिन चलो नहीं मिला तो नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं। बॉलर नंबर 2 हैं ईशांत शर्मा। बहुत कम भारतीय प्लेयर्स ऐसे हैं जो 2 बार टीम का हिस्सा बनकर लॉर्ड्स में इंडिया को जीत दिला पाए हैं। ईशांत शर्मा उनमें से एक है। बल्कि 2014 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जब भारतीय टीम ने इंग्लैंड को लॉर्ड्स में शिकस्त दी थी, उस वक्त ईशांत शर्मा मैन ऑफ द मैच भी बने थे। इस मैच में भी शर्मा जी के लड़के ने 5 विकेट अपने नाम किए, और पहली इनिंग में मोइन अली और सैम करन को बैक टू बैक 2 गेंदों पर आउट करना मैच का टर्निंग पॉइंट बन गया था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे बॉलर, या यूं कहें कि ऑलराउंडर नंबर 3 मोहम्मद शमी भाई की, जो बॉलिंग से तो सामने वाली टीम पर वार करते ही हैं, लेकिन अब की बार उन्होंने बैटिंग से भी दिल खुश कर दिया। एक ऐसे वक्त पर जब 5वें दिन टीम इंडिया को मैच ड्रॉ कराना भी मुश्किल लग रहा था, उस वक्त शमी भाई ने 56 रन की वो जो पारी खेली ना भाई साहब, कहने का मतलब ये है कि इंग्लैंड के बॉलर्स तैयारी कर आए थे रोहित शर्मा और विराट कोहली की, लेकिन शमी भाई आउट ऑफ सिलेबस आ गए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे बॉलर नंबर 4 की, जो है बूम बूम बुमराह। जनरली बुमराह भैया बहुत ही शांत और सौम्य किस्म के इंसान है, लेकिन ये इंग्लैंडियों ने ना स्लेजिंग करते टाइम उन्हें भी नहीं छोड़ा। नतीजा ये कि हमने पहली बार ऐसा बुमराह देखा जो खुखार नजर आया। उन्होंने हर इंग्लैंडी खासकर एंडरसन पर खुन्नस निकाली। उनका एंडरसन को फेंका गया ओवर इस मैच, या यूं कहूं कि सीरीज के लिए मजा बन गया। और बुमराह ही वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक प्लेन दाल पर प्याज और जीरे का जो छौंका लगाया ना भाई साहब, अब आने वाले मैचों में जो कॉम्पिटेटिव क्रिकेट आपको देखने को मिलेगी, उसके लिए आप बुमराह को उनके इंस्टाग्राम DM पर थैंक यू बोल सकते हैं विद हैशटैग बूम बूम बुमराह। फिलहाल हम निकलते हैं, जल्दी आपको मिलते हैं इसी चैनल पर एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। चैनल अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर करना। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक करना, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी मिलना, और कमेंट करके बताना कि ये जो 4 हमने सुपरस्टार गेंदबाजों के बारे में बताया, आपका इनमें से सबसे फेवरेट कौन है। जी हाँ, कमेंट करके ये भी बताना कि आप ये वीडियो देख कहां से रहे। जल्दी मिलते हैं, अपना ख्याल रखना। जय हिंद।